नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र जैन। आज मैं आपसे मंत्री की हैसियत से नहीं, एक कोरोना सर्वाइवर की हैसियत से बात करना चाह रहा हूं। दिल्ली में और देश में और पूरे संसार में कोरोना बहुत फैला हुआ है। इससे बचने के लिए या अगर आपको कोरोना हो जाता है तो भी इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सांस लेने में, सांस की दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। और दूसरा समस्या होती है कि शरीर के अंदर खून के क्लॉट्स बन जाते हैं। उनसे बचाव के लिए जो बेसिक प्राणायाम है और कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसका कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी डॉक्टर्स के साथ सलाह करने के बाद और सारी चीज़ों के बाद आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एक तो सुबह 15 या 20 मिनट के लिए प्राणायाम कीजिएगा, उसकी पूरी वीडियो मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ जो मैंने किया है। जितनी भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा एग्जर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 मिनट नहीं कर पाते हैं तो 10 मिनट कर लीजिएगा। जिस चीज़ को 20 बारी कहा गया है, 20 बारी कर पाते हैं तो ठीक है, 10 बारी कर पाएंगे तो 10 बारी भी कर लीजिएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर करिए ज़रूर। तो प्राणायाम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको ऑक्सीजन का जो लेवल है शरीर के अंदर, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा, आपका शरीर एक्टिव रहेगा। तो दिन में 3 बारी से लेकर 5 बारी तक आपने डेली करना है ये, और सिर्फ 5 मिनट एक बारी में आपको लगेंगे। आप रूटीन बना सकते हैं कि सुबह जैसे 8 बजे आपने 20 मिनट प्राणायाम किया, उसके बाद हर 2 घंटे बाद या हर 3 घंटे के बाद आप 5 मिनट के लिए रिपीट कर लेंगे। तो मुझे लगता है इससे आपको बहुत ही बहुत, जिसे कहते हैं कि आज फ़र्क नज़र आएगा, स्ट्रेस कम होगा, हमारा शरीर के अंदर स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी, और ऑक्सीजन लेवल, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो कारण आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोरोना के अंदर मृत्यु के जो कारण 2 हैं, एक है ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम हो जाती है और दूसरा शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं। दोनों के अंदर इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, पूरा ध्यान पूरे शरीर पर, पूरे शरीर के एक एक भागों को मन ही मन देखने का प्रयास करें। पूरा ध्यान अपने सांस पर लाएं, सांस की गति को देखें, लंबे गहरे सांस लें, 3 बार ओम का उच्चारण, ओम, एक बार फिर से दोनों हाथों को आपस में रब करें, हल्का सा आंखों पे मसाज, चेहरे पे मसाज, रिलैक्स। कमर गर्दन सीधा, सामने देखना है, तेज तेज सांस लेना है, तेज तेज सांस छोड़ना है, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया 10 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब मेधा शक्ति विकास क्रिया, गर्दन को ऊपर आसमान की तरफ देखना है, तेज तेज सांस लेना है, छोड़ना है, जिस स्पीड में लेंगे उसी स्पीड में छोड़ें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब दोनों हाथ सामने लाएं, सामने से दोनों हाथों को मिलाना है, सर मिलाना है, हाँ। यहीं से दोनों हाथों को सांस के साथ पीछे ले जाएं,
सांस छोड़ते हुए मिला लेना। इस क्रिया का अभ्यास 10 बार करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रिलैक्स वापस, सांस को सामान्य करें वापस। अब हैंड्स स्ट्रेच ब्रीदिंग, दोनों हाथों को लॉक करके छाती से लगाएं। सांस के साथ हाथों को बाहर की तरफ पूरा स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए सांस को फिर से छाती पर लगाएं। 3 बार इस क्रिया को करें। सांस छोड़ते हुए छाती पर लगाएं। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए। अब 135 पे सांस को यहीं से हैंड्स स्ट्रेच में सांस छोड़ते हुए छाती से लाना है। सांस भरते हुए पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए छाती से। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए। अब पूरा ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर सांस के साथ पूरा हाथ को ऊपर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए चेस्ट। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से ऊपर, सांस छोड़ दे वापस। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अनुलोम विलोम करना है। ज्ञान मुद्रा में राइट हैंड के थंब से राइट नोस्टल को बंद करें, आंखें बंद। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। धीरे धीरे राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इस क्रिया का अभ्यास 3 से 5 मिनट तक करना है बिना किसी आवाज के। दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस भरना है, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। फिर से बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरना है, दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। लगातार इस क्रिया का अभ्यास 5 मिनट तक, 3 से 5 मिनट तक करना है। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। अब लेफ्ट से छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए वापस। आंखें बंद, सांस समान,
अब कपालभाति का अभ्यास करना है। एक मिनट में 40 बार तक कोशिश करना है, जितना हो सकता है। स्टार्ट करें, झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़ें, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। एक बार फिर से कपालभाति का अभ्यास करें, 3 से 5 राउंड करना है। चेहरे पे तनाव नहीं, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अंतिम बार एक बार फिर से अब हम लोग विभाज्य प्राणायाम, इसका 3 भाग है, पेट, चेस्ट और शोल्डर के पास हंसले पर। सबसे पहले हम लोग पेट पे करेंगे। सांस भरते हुए पेट को पूरी तरह से बाहर फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर 3 बार यहाँ पे करेंगे, 3 से 5 बार। एक बार फिर से सांस भरते हुए पेट फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट पूरा अंदर। एक बार फिर से सांस के साथ पेट पूरा फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। अब सांस के साथ हमें चेस्ट को पूरा फुलाना है, छाती को पूरी तरह से फुलाना है, सांस छोड़ते हुए छाती को रिलैक्स। एक बार फिर से सांस भरते हुए चेस्ट को पूरा, सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से रिलैक्स। अब सांस के साथ थोड़ा सा कंधे को पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से पूरा स्ट्रेच करके सांस छोड़ते हुए बाहर, एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। विभाज्य प्राणायाम का ये तीनों भाग एक साथ करना, पेट, चेस्ट और शोल्डर एक साथ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से पेट भी फूलेगा, चेस्ट भी, शोल्डर भी रिलैक्स। एक बार फिर से रिलैक्स, रिलैक्स। अब पेट के बल आ जाएं, मकरासन की स्थिति में, पैरों में गैप होगा, दोनों हाथों को माथे के नीचे, पंजा अंदर की तरफ, एड़ियां बाहर की तरफ, शरीर रिलैक्स, ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। सांस धीरे धीरे लेना है, सांस धीरे धीरे छोड़ना।
अब दोनों पैरों को मिला लें, भुजंगासन ब्रीदिंग, सांस के साथ आपको गर्दन, छाती, कमर तक का भाग ऊपर उठाना है, रुकना नहीं है, सांस छोड़ते हुए वापस 5 बार इस क्रिया का अभ्यास करें, पूरा पैर, सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से सांस के साथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, अंतिम बार एक बार फिर से वापस, रिलैक्स। अब पीठ के बल आ जाए अपोजिट डायरेक्शन में, योग निद्रा, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेली आसमान की तरफ, शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, सर से लेकर पैर के अंगूठे से सर तक के भागों को मन ही मन देखते जाएं, तीन बार मन ही मन ओम का ध्यान करें, तीन बार लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़ें, तीन बार, अब पूरा ध्यान अपने राइट लेग के टोस, राइट लेग के अंगूठे, पूरे पंजे, पूरे तलवे के भागों को देखते जाएं, मन ही मन उसे देखने का प्रयास करें, धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दें, पूरा शरीर आपका रिलैक्स कर रहा है, ऐसा अनुभव करें, ऐसा महसूस करें। अब सांस पर ध्यान लगाएं, सांस लेते समय सो, सांस छोड़ते समय हम, केवल ध्यान लगाना है, बोलना नहीं, सांस लेते समय सो, सांस छोड़ते समय हम, कुछ देर इसका अभ्यास करने के बाद पैरों में थोड़ा सा मूवमेंट, हाथों की मुट्ठी को बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, अब आंखें बंद रहेगा, लेफ्ट करवट हो जाए, उठकर बैठ जाए, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, अब लगातार ओम का उच्चारण करना है, ओम।
दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब करें, पूरे चेहरे पे मसाज, आंखों पे मसाज, आंखों को हाथ में खोलते हुए धीरे से वापस रिलैक्स आंखें। एक बार फिर से हाथ को रब करें, आंखों को ढक लें। अब आंखों को अपने हाथ में खोलते हुए धीरे से वापस रिलैक्स। तो एक सबसे पहले इसको कहते हैं गुम्मी हंसी, मतलब अंदर ही अंदर हंसना है, केवल चेहरे पे मुस्कुराहट आएगा। शुरू करेंगे, पूरे चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, पूरे चेहरे पे अंदर ही अंदर हंसना है, आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर ही अंदर हंसना है। एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से। अब तीसरे बार में पूरे चेहरा मुंह भी हल्का खुल सकता है, लेकिन आवाज नहीं आएगी। एक बार फिर से, अब पूरा खुल के हंसना है, हाथ पूरा एक बार लगातार एक साथ हंसना है। एक बार फिर से, अंतिम बार एक बार फिर से रिलैक्स। इसका अभ्यास हम कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों को सामने लाके सांस के साथ दोनों हाथों को पूरा पीछे सांस छोड़ते मिला। एक बार फिर से, चलो पांच बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। 3, 4, 5। अब सांस के साथ हमें नीचे आना है, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर ले चलना है। सांस भरते हुए हाथ को नीचे लाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर से सांस के साथ नीचे ऊपर, फिर से सांस के साथ नीचे ऊपर। अब एक तीसरा, यहां सांस के साथ पूरा लाना है, सांस छोड़ते मिलाना है। आपस में रब करें, चेहरे पे मसाज, आंखों पर मसाज, आंखों को हाथ में खोल, एक बार फिर से रब करें, आंखों को ढक लें, आंखों को हाथ में खोलते हुए धीरे से। आइए अब हम वापस खड़े होकर कुछ यौगिक क्रियाएं करते हैं। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ सामने, सांस के साथ हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। पांच बार करना है, सांस के साथ हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से सांस के साथ ऊपर, सांस छोड़ते वापस। एक बार फिर से सांस छोड़ते वापस। एक बार फिर से सांस छोड़ते वापस। रिलैक्स। वक्षस्थल विकासक क्रिया की दूसरी क्रिया, यहीं से सांस भरते हुए पीछे, गर्दन भी पीछे, सांस छोड़ते मिलाना है। सांस भरते हुए पीछे, एक बार फिर से, एक बार फिर से रिलैक्स। अब पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, अब हाथ को लॉक करेंगे, ऊपर ले चलेंगे, स्ट्रेच करें। सांस यहां नॉर्मल, सांस नॉर्मल, हल्का सा लेफ्ट होंगे, हल्का सा लेफ्ट, धीरे से हल्का सा राइट, एक बार फिर से धीरे से लेफ्ट, धीरे से राइट, रिलैक्स। पैरों को मिला लेना है, हाथ कमर पर, थोड़ा सा सांस के साथ पीछे, एक बार फिर से पीछे, रिलैक्स।
हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों को मिला लें, सांस के साथ दोनों हाथों को पीछे, सांस छोड़ते लें। एक बार फिर से 5 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब हैंड्स स्ट्रेच ब्रीदिंग, दोनों हाथों को लॉक करें, सांस के साथ दोनों हाथ पूरा सामने, सांस छोड़ते मिला। फिर से 2, 3 times इसको करना है। 3। अब इसको 135 डिग्री पे ऊपर लाना है, 3 times करना है, 3 बार। एक बार फिर से ऊपर, सांस के साथ और ऊपर, 3। अब पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, एक बार फिर से अंतिम बार, 3। रिलैक्स। अब हमें हंसना है, पहले में अंदर ही अंदर हंसना है। अंदर ही अंदर हंसना है। अब दूसरे में आप जैसे हंस सकते हैं हंसे, जैसे मन करे हंसे, खूब खुश होना है, खूब हंसना है, अंदर ही अंदर। पूरी हंसना है, पूरा, जब थक जाए तब रुकना है। और तीसरे में आपको खूब अट्टहास लगे, खूब तेज हंसना, पूरा खुल गया। एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है जो कोरोना के अंदर है, वो है स्ट्रेस। प्राणायाम जब भी आप करते हैं तो स्ट्रेस लेवल एकदम से बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। तो सुबह के टाइम पर आप, मैं तो कहूँगा 20 मिनट के लिए प्राणायाम कीजिएगा, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। उसके अलावा दिन में 3 या 4 या 5 बारी जब भी आपको समय मिले, कम से कम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना का 1 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, खाना खाने से 1 घंटे बाद ना करें, 1 घंटे तक ना करें। जो मैंने 5 मिनट के लिए दूसरी वीडियो आपको बताई है, जिस वीडियो के अंदर आप दिन में 3 बारी 3 चीज़ें करनी है, 1 अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा 1 ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम का ही पार्ट है वो, और तीसरा हंसने का। हम लोग टेंशन तो खूब लेते हैं पर हंसते नहीं हैं। आप सोच के देखिएगा खुल के हंसना, मतलब कितना अजीब सा हो गया है, लोग हंसते बिल्कुल नहीं है। तो दिन में 3 बारी से लेकर 5 बारी तक आपने डेली करना है ये, और सिर्फ 5 मिनट एक बारी में आपको लगेंगे। आप रूटीन बना सकते हैं कि सुबह जैसे 8 बजे आपने 20 मिनट प्राणायाम किया, उसके बाद हर 2 घंटे बाद या हर 3 घंटे के बाद आप 5 मिनट के लिए रिपीट कर लेंगे, तो मुझे लगता है इससे आपको बहुत ही बहुत, जिसे कहते हैं कि आज फ़र्क नज़र आएगा, स्ट्रेस कम होगा, हमारा शरीर के अंदर स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी, और ऑक्सीजन लेवल, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो कारण आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोरोना के अंदर मृत्यु के जो कारण 2 हैं, 1 है ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम हो जाती है, और दूसरा शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं। दोनों के अंदर इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको। एक तो अगर आप कोरोना से संक्रमित है, या आपके परिवार में, या आपको लगता है आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं, या आप अपने बचाव के लिए वैसे भी लेना चाहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं, एक तो जिसे कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए आप हल्दी, अदरक और तुलसी के पत्ते, इन तीनों को लेकर चाय की तरह से उबाल लीजिएगा, पानी में उबाल लीजिएगा, और दिन में 3 बारी या 4 बारी इसको पीजिएगा। इसके लेने से शरीर के अंदर जो खून है वो खून जमेगा नहीं, इसके लिए इसके इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये, और इसको ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ एक गोल्डन मिल्क, आयुष मंत्रालय ने बताया, गोल्डन मिल्क में क्या होता है कि 1/2 चम्मच हल्दी और 150 ग्राम मिल्क मिक्स करके गर्म दूध को दिन में 1 बारी या 2 बारी ज़रूर लीजिएगा। इसके लेने से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है वो कम होगा। साथ ही साथ अगर गले में हल्की सी भी खराश है तो नमक के पानी के गरारे दिन में 3 बारी 4 बारी जरूर कीजिएगा।
सांस लेने में हल्की सी भी दिक्कत है तो नहीं भी है तब भी आप दिन में एक या दो बारी स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने से बहुत फ़ायदा होगा और साथ ही साथ दिन में दो बारी अपनी नाक के अंदर कोई भी तिल का तेल, सरसों का तेल या कोई भी चीज़ दिन में दो बारी नाक के अंदर हल्का सा ज़रूर लगाएं। इनके लगाने से आपको सांस लेने की आराम रहेगा, सांस लेने में काफ़ी आराम मिलेगा और मुझे लगता है कि इसकी वजह से काफ़ी आसानी रहेगी। साथ ही साथ शरीर आजकल देखने में आ रहा है कि विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो जब भी मैंने जो बताया जो भी इस कोरोना से संक्रमित है या लगता है संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं, मुझे लगता है उनको कुछ दिनों के लिए एक तो विटामिन सी की दो गोली दिन में ज़रूर लेनी चाहिए। हफ्ते में एक बारी विटामिन डी का शैशे आता है, विटामिन डी का शैशे और जिंक की गोली आती है, जिंक की गोली दिन में दो बारी जरूर लेनी चाहिए। अगर आप ये ले लेंगे तो ये, क्योंकि जब बीमार होते हैं अस्पताल जाते हैं तब डॉक्टर ये देते हैं आपको, सारे डॉक्टर से ये इलाज के अंदर आपको दे रहे हैं, तो पहले से ले लीजिएगा। तो मुझे लगता है इसको भी लेने से आपकी इसके अंदर जो लड़ने की क्षमता है, कोरोना से लड़ने की क्षमता में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों की प्यार और आप लोगों के सबके दुआओं से मेरी जीवन बचा है और आप सब लोग इसका पालन कीजिएगा और धन्यवाद। थैंक यू।